to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Kailash Gehlot. मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कैलाश गहलोत ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है और सबसे खास चेहरा इसलिए भी क्योंकि एलजीवी के सक्सेना के साथ अच्छे रिश्ते हैं और दिल्ली में सरकार चलाने के लिए एलजी के साथ रिश्ते अच्छे होना बेहद जरूरी है और एलजी ने 15 अगस्त पर झंडा फहराने के लिए गहलोत को ही चुना था। हालांकि सीएम पद की रेस में भी गहलोत का नाम चल रहा था, हालांकि फिर आतिशी ने बाजी मारी और हरियाणा चुनाव में देखिए इसका फायदा मिलने वाला है क्योंकि जाट परिवार से आते हैं। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। केजरीवाल की कैबिनेट में अकेले मुस्लिम चेहरा थे इमरान हुसैन और एक बार फिर से इन्हें मौका दिया गया। आतिशी की कैबिनेट में भी इन्हें रिटेन किया गया है। दिल्ली में करीब 11.7% मुस्लिम पॉपुलेशन है और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी अल्पसंख्यक वोट बैंक में पकड़ बनाए रखने के लिए इमरान हुसैन को शामिल करना बेहद जरूरी था और ये पार्टी की रणनीति का भी एक तरीका माना जा रहा है। To administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Mukesh Ahlawat. मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मुकेश अहलावत पहली बार ही विधायक बने हैं, सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं और पार्टी ने इन्हें
शामिल किया है कैबिनेट में और दिल्ली में करीब करीब 12% दलित पॉपुलेशन है और पहली बार के विधायक हैं। अहलावत को मंत्री बनाकर पार्टी दलित वोट बैंक को साधना चाह रही है और इसे रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दलित कोटे से कैबिनेट में शामिल करने की बात पहले भी सामने आ रही थी और मुकेश अहलावत को अब चुन लिया गया है।